الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدقت يا رب العالمين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوست و بزرگو سب سے پہلے تو ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں مسجد میں بیٹھے ہیں مبارک مہینہ ہے مبارک رات ہے مبارک جگہ ہے اور باتیں جو ہوگی وہ بھی اللہ اور اس کے نبی کی ہی باتیں ہوں گی تو ہم یہ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی سنائیں گے اس کے اوپر ہم عمل کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بعض مرتبہ بہتر ہوتی ہے اس لیے یہ سوچ کر کہ بھئی ہم تو روٹین میں آئے ہیں دین کی بات ہے سن لیتے ہیں اب بعد میں عمل تو ہوتا نہیں ہے تو پھر ہم نیت کیوں کریں نا ہمارا کام نیت کرنا ہے اس کا کام توفیق دینا ہے وہ توفیق عطا کرے گا اس لیے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کہو الحمدللہ یہ دنیا کی چار دن کی چاندنی ہے
और फिर अंधेरी रात है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, इसलिए इसके ऊपर हमें शुक्र होना चाहिए अल्लाह का। अगर अल्लाह चाहता तो हमें ईमान के बगैर भी दुनिया में पैदा कर सकता था, किसी और की बात क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है, ईमान की अहमियत बतला रहा हूं, वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, वो न देना चाहे कोई दे नहीं सकता, यहां तक कि वक्त का नबी नहीं इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं दे सकते अगर अल्लाह न चाहे। तो कितनी बड़ी दौलत है हमारे पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, आदम अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक अगर कोई बेहतर जमाना है तो मेरे आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। बेहतर जमाना, बेहतर जगह मक्का मुकर्रमा, दुनिया में कहीं अल्लाह ने अपना घर नहीं बनाया, मक्का में बनाया है। उसके बावजूद मक्का की 13 साल जिंदगी के अंदर अगर आप देखें कितने लोग हिदायत पर आए, कितने ईमान लाए। मैंने आपने नबी का कोई मौजजा देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, लेकिन अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, ईमान वाले के घर में पैदा करके। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से एक नहीं कई मौजज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखे, उसके बावजूद ईमान नसीब नहीं हुआ। क्यों? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह की तरफ से उनके दिलों पर मोहरें लगी हुई थी। एक वो है जो अल्लाह के नबी को भी देख रहे हैं, मुबारक जगह में भी है, मौजजात को भी देख रहे हैं, फिर भी ईमान नसीब नहीं होता। एक हम है, 1400 साल के बाद आए हैं, न नबी को देखा, न नबी के मौजजात को देखा, उसके बावजूद अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, इससे बेहतर अल्लाह की तरफ से हमारे लिए और कोई नियामत नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे भी आगे की बात बताऊं, सहाबाए कराम में से बाजे सहाबा मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर रहे हैं। उबैदुल्लाह बिन जहश ईमान लाए, उम्मे हबीबा से शादी हुई, हिजरत करके गए हैं हबशा, ईमान भी मिला है, हिजरत का भी सवाब है, लेकिन उसके बावजूद हबशा जाने के बाद माल की लालच में, बाज़े रिवायात के मुताबिक औरत की लालच में ईमान छोड़ दिया, नसरानी बन गए, क्रिश्चियन बन गए और उसी पर मौत आई। इसीलिए हमें अपने ईमान की बका के लिए, इसके बाकी रहने के लिए भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह तूने ईमान दिया है, ईमान वाली जिंदगी भी अता कर और मौत आए तो ईमान वाली मौत अता कर। दुआ आती है, اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان। तो बहरहाल ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब हमें किसी चीज की कीमत मालूम हो, वैल्यू मालूम हो, तो उसकी तरफ हमारा लगाव होता है, उसकी तरफ हमारी चाहत होती है, और जब वैल्यू मालूम ना हो तो चाहत नहीं होती है। किसी को किसी के सामने देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में देखें, सबको समझ में आ जाएगा कि ईमान की वैल्यू मेरे नजदीक क्या है और मैं ईमान के ऊपर कितना खुश हूं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अपनी जिंदगी को देखें
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखें, सहाबा की जिंदगी को देखें, समझ में आ जाएगा कि हम कितने ईमान पर हैं और कितना हमें इसका वैल्यू मालूम है। मेरे भाइयों, यकीन जानो, कुरान करीम जहां जहां मुशरिकीन के लिए, कुफार के लिए, अल्लाह अपने नाफरमानों के लिए अजाब बयान कर रहा है, अगर इसको हम सुने और दिलों के कान से सुने, रब्बुल इज्जत की कसम, हम जो है ईमान वाले आमाल से दूर नहीं हो सकते। कितने सख्त अजाबात बयान किए गए। और अल्लाह के यहां जाब्ता क्या है? जाब्ता ये है, दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है, बदला नहीं है, यहां यहां काम है। आखिरत दारुल जजा है, वहां बदला है, वहां काम नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में इसकी कीमत को बताया है। इन्नल्लज़ीन कफरू वमातू वहुम कुफ्फार فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ। यकीनन वो लोग जिन्होंने दुनिया में कुफ्र इख्तियार किया, अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह की बातों को नहीं माना, वमा तू वहुम कुफार, इसी हालत में, कुफर की हालत में मौत आई। फलन युकबल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबन वलव इफ्तदा बिह, कयामत का मैदान होगा, बेईमान काफिर अल्लाह से ये कहेगा, तमन्ना करेगा, जमीन भर कर सोना हो, अल्लाह को दे दूं, बदले में ईमान ले लूं। फलन युकबल, अल्लाह कह रहे हैं, वो तमन्ना करेगा, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं फलन युकबल। पहली बात तो ये है कि वहां सोना चांदी होगा नहीं, लेकिन अल्लाह हमें समझा रहा है, वहां तो ये होगा कि सोना चांदी तो दूर की बात है, बदन पर कपड़ा तक नहीं होगा मैदान हशर में। उसके बावजूद अल्लाह कह रहे हैं कि ईमान वालों, मैंने तुम्हें जो दिया है, लोगों की तरफ तवज्जो ना करो, मेरे दुश्मनों को ना देखो कि मैंने उन्हें क्या दिया है, उनके लिए तो मैंने दुनिया जन्नत बनाई है, उनके लिए तो सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने इम्तिहान की जगह बनाया है, इसलिए यहां तो इम्तिहान से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। अल्लाह यहां फरमा रहे हैं, कयामत के मैदान में अगर कोई जमीन भरकर सोना ये अल्लाह को दे दे, अब इस वक्त जितनी आबादी है दुनिया में 8 अरब के करीब करीब, और तकरीबन जो है 1/3 इसका जमीन है, 2 हिस्सों में तो पानी है, ये सारा भरकर अल्लाह को दे और अल्लाह से ईमान का सौदा करें, अल्लाह कहते हैं कि फलन युकबल। अगर किसी के पास हो और देना चाहे तब भी मैं ये कबूल नहीं करूंगा। तो क्या होगा उनके लिए? उलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम, दुनिया से बगैर ईमान के गए हैं, दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। अलीम का मतलब यह है क्वालिटी दर क्वालिटी अजाब, अलग अलग अजाब, अलग अलग किस्म का अजाब। वमा लहुम मिन नासिरीन, कुरान करीम कलाम फितरत है, हमारी सोच को जानता था अल्लाह, हमारे दिलों को जानता था, इसलिए अल्लाह कह रहा है वहां मैदान कयामत में इनके लिए दर्दनाक अजाब भी है और इस अजाब के लिए कम कराने वाला भी कोई नहीं होगा। किसी और की बात क्या करूं, हदीस पाक के अंदर आता है,
قیامت کے میدان میں ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے بہت بڑے نبی ہے جن کو اللہ نے دوست کہا اتنے بڑے کیٹیگری والے اور انبیاء میں میرے آقا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ کے دادا نے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے جب میدان حشر میں سب وہاں اکٹھے ہوں گے تو چونکہ خلیل اللہ کے باپ جو تھے آزر وہ دنیا سے بت پرستی میں گئے ہیں ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا لے جایا جائے گا ابراہیم خلیل اللہ کو شرمندگی ہوگی اللہ سے دل ہی دل میں کہیں گے قیامت کا میدان ہے میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے اللہ انتظام فرمائیں گے کہیں گے کہ خلیل دیکھو اپنے پاؤں کے پاس تو وہ جو ان کا باپ آزر تھا اب اس شکل میں نہیں ہوگا ایک کیڑے کی شکل میں بجو کی شکل میں اس کو کر دیا جائے گا اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا بتلانا یہ چاہ رہا ہوں ابراہیم خلیل اللہ ہے اس کے باوجود ان کے باپ کی بخشش نہیں ہو رہی ہے ایمان نہ لانے کی وجہ سے تو اب ہم کمپیر کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کتنی بڑی نعمت دی سوچنے والے دماغ ہے سوچو اگر اللہ نے فرعون کو حکومت عطا فرمائی تھی چاہے وہ فرعون ہو یا آج کے ہو جن کو بھی عطا کی ہے سارے ٹھاٹھ ماٹ سب کچھ لیکن اس کے باوجود موت کا پنجہ ہر ایک کے لیے ہے اور جیسے ہی موت کا پنجہ پڑتا ہے ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے کوئی کسی کا نہیں محلے میں رہ رہا ہو جھونپڑے میں رہتا ہو یا فٹ پاتھ پر رہتا ہو موت کا جب وقت آتا ہے کوئی دنیا سے کچھ لے کر نہیں جاتا ساری چیزیں یہیں میرے بھائیوں ذرا سوچو ہم لے کر جائیں گے اور وہ کیا لے کر جائیں گے ایمان اور ایمان والے اعمال لے کر جائیں گے یہ نامراد دنیا سے کچھ لے کر نہیں جانے والے ہیں وہاں ہائے ہائے کہتے رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ان کو ہائے واویلا ہی کرنا پڑے گا اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو نصیحت کی قرآن کریم میں لا يغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ان نافرمانوں کی چلت پھرت اور ان نافرمانوں کی آرائش ان کی اچھائی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے متاع قلیل پوری دنیا کی اگر ان کو بادشاہت مل جائے تب بھی یہ بہت تھوڑا ہے تو اللہ تو اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی چمک دمک اور ان کے ظلم کی داستانیں تمہیں ایمان سے ہٹانے نہ پائے اس لیے کہ یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہے ان کے پاس پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے مأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی بری جگہ ہے تمہیں اپنے ایمان پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں نے آپ کو بتایا نبی کا زمانہ ہے نبی پر ایمان لائے ہیں پھر بھی جو ہے مرتد ہو گئے اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے آپ کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا تو آج جو ہے ہم الحمدللہ بیٹھے ہیں یہاں ایک بات تو طے ہے اللہ کے نزدیک جس نے بھی سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے دنیا میں چاہے جتنا گنہگار ہو وہ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں تو بھیجیں گے ہی
उसकी मर्जी है, चाहे तो सजा देवे लेकिन हमेशा की सजा नहीं होगी, लिमिटेड होगी, और उनके लिए अनलिमिटेड है, कहीं रुकने वाली नहीं गाड़ी, अनलिमिटेड। तो अल्लाह ने वो अनलिमिटेड सजा से तो अल्हम्दुलिल्लाह बचा ही लिया है, और अल्लाह की जात रहीमी, अल्लाह के करम से ये उम्मीद है कि जिन हालात में हम जी रहे हैं अल्लाह लिमिट वाली सजा में भी हमें दाखिल करने वाला नहीं है। भाई आमीन तो कह दो, काम बन जाए, मुबारक रात है। इसलिए हमें अपने ईमान पर खुश होना चाहिए। मैंने आयत करीमा पेश की है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ईमान वालों से यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो जन्नत हासिल करनी है और वहां जो है वो मोहल्ला तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें एक ईंट चांदी की, एक ईंट सोने की, और गारा जो है मुश्क अंबर का होगा, और जो है शराब पिलाने वाले और नहरें और ये सारी चीजें होगी, और ऐसी हूरें कि जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, ऐसी तमाम चीजों के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में ईमान दिया है, तो फिर दुनिया में थोड़ा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। दुनिया में महल बनाने के लिए जब तक बाल न सफेद हो जाए वहां तक बनता नहीं है, अगर बन भी गया तो गनीमत, वरना एक चीज, एक मुसीबत पूरी होने से पहले दूसरी इंतजार में होती है एडवांस में, तो ये तो है ही मुसीबत की जगह। अद दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा قال عليه الصلاه والسلام। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला हमें तसल्ली दे रहा है कि तुम अगर दुनियावी टेंशन में हो तो टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पहले से कहा गया है कि तकदीर पर ईमान रखो, वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, अगर मेरे साथ अच्छा होता है ये भी अल्लाह की तरफ से है, मेरे साथ बुरा होता है ये भी अल्लाह की तरफ से, मुझ पर अगर हालात नहीं आते अल्लाह की तरफ से, अगर आए हैं वो भी अल्लाह की तरफ से। और मेरे भाइयों, सहाबाए कराम रदी अल्लाह ताला अनु मजमाइन का इस मामले में ईमान इतना मजबूत था, इतना पावरफुल था कि कोई सहाबी तकदीर से, तकदीर के ईमान से एक जर्रा बराबर हटा हुआ नहीं था। इसलिए चाहे गुर्बत का जमाना था तो उनकी जबान पर नाशुक्री के अल्फाज नहीं आए, और जब राहत का जमाना आया तो उनकी जबान पर तकब्बुर के अल्फाज नहीं आए। क्यों? वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला पर पूरा ईमान था। आज हमारी कमजोरी ये है कि हम थोड़े से अगर हालात आ जाए तो हम डरते हैं और जो है फिसल जाते हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन जिन चीजों की तरफ आना चाहिए उन चीजों की तरफ हम नहीं आ रहे हैं। अब हम सोचते हैं कि नहीं मैं तो आ रहा हूं, भाई आ तो रहे हो लेकिन जैसे आने को कहा गया वैसे आओ, फिर अल्लाह की मदद देखो, फिर अल्लाह की मदद देखो। अगर जैसे कहा गया है वैसे अगर हम आ जाए, रब्बुल इज्जत की कसम दुनिया की कोई ताकत में ये दम नहीं है कि हमें कोई जो है दबा सके। शर्त ये है कि हम अपने ईमान पर पुख्ता हो। ईमान सिर्फ इसका नाम नहीं है कि भाई अजान हुई मस्जिद में आ गए चले गए, ना, 24 घंटे की जो जिंदगी बताते हैं ना कि वो सिफत सलात पर आ जाए तो वो क्या है, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो ये सोचो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर ये आ जाए, अगर ये चीज आ जाए तो फिर अगर पहले तो गुनाह नहीं करेगा आदमी, और अगर गुनाह करेगा तो जब तक तौबा नहीं करेगा उसको चैन नहीं आएगा। बहरहाल
मैं कुरान करीम की आयत जो शुरू में मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व ताला हमें यही कह रहे हैं, अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है, ये सोच लिया है, ये प्लान बना लिया है, अन यकूलू आमन्ना, कि वो ईमान लाने के बाद छोड़ दिए जाएंगे, यानी दुनिया में कोई आजमाइश इनके ऊपर नहीं आएगी। वहुम ला युफ्तनून, ईमान भी हो आजमाइश न आए, ये नहीं हो सकता। ईमान हो और आजमाइश न आए ये नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के नबी की सीरत को अगर पढ़ा जाए, मक्की जिंदगी को अगर देखा जाए, ऐलान नबूवत के बाद कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ से दो चार न किया गया। मुसलसल तकलीफें, मुसलसल तकलीफें। हालांकि ये कौन है? ये वो है कि जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात को बनाया। अगर एक लफ्ज कह देते बद्दुआ का, रब्बुल इज्जत की कसम मक्का वाले जो है मलिया मेट हो जाते। लेकिन वो नबी ताइफ से आते हुए क्या कह रहा है? फरिश्ते आए हैं, अगर आप कहें दो पहाड़ों के बीच में ताइफ वालों को कुचल दिया जाए, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अल्लाहुम्मा दि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहा, मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूं, या इनको हिदायत दे, ये मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। ताइफ का मंजर सामने है, हजरत बिलाल, अम्मार, यासीर, ये सारे वाकयात वैसे ही नहीं है। ये सारे वाकयात उस जमाने में पेश आए जो इस्लाम का सबसे गोल्डन जमाना उस वक्त पेश आए। क्यों? बाद में आने वाले कमजोर मुसलमानों के लिए तसल्ली का सामान बने। मक्का की जिंदगी में 3 साल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे आए हैं कि जहां मक्का से दूर घाटियों में और वादियों में आप अपने कबीले के साथ 3 साल तक वहां रहे। शायब अबी तालिब का वाकया आपने सुना होगा। 3 साल तक क्या हालात थे पता है? खाने को कुछ नहीं। सहाबा कहते हैं, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा होती थी कि हम तलाश करते कि कहीं कुछ मिल जाए। एक रात का वाकया है कि मैं जा रहा था, वहीं घूम रहा था, ठोकर लगी, मैंने देखा कि एक सूखा हुआ चमड़ा है, उसी को उठा लिया, आया, उसको जलाया और उसकी राख बनाकर उसको जो है मैंने खा लिया। ये सहाबाए रसूल है। कभी हम पर वो वक्त आया है? नहीं आया, अल्लाह न लाए। सहाबा फरमाते हैं कि वहां खाना पीना न मिलने की वजह से हमारे पाखाने जो है बकरी की मैंगनियों की तरह होते थे, पाखाने सूख जाते थे, इस कदर तकलीफें आई हैं। लेकिन इन तकलीफों के बाद अल्लाह ने क्या कहा? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन, किसी को सनद नहीं दी अंबिया के अलावा, लेकिन मेरे नबी के सहाबा वो हैं जिनको अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह भी उनसे राजी और वो भी अल्लाह से राजी। ये सनद और ये सर्टिफिकेट क्यों मिला? इन आजमाइशों में गुजरने की वजह से मिला। तो बहरहाल अल्लाह यहां हमें यही कह रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जमाना है, सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन है, फिर भी मुसलसल एक के बाद एक ये तकलीफें क्यों आई? ये इसलिए आई कि अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है, अहसिबन नास
ایمان لاؤ اور آزمائے نہ جاؤ نہیں ہو سکتا ہے ایمان لاؤ گے آزمائے جاؤ گے اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے جن حالات میں ہمیں اس وقت رکھا ہوا ہے یقیناً ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا ایک بات غور سے سنیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے شعب الایمان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا اور اس وقت کیا ہوگا لا يبقى اسلام الا اسمه اسلام باقی نہیں رہے گا مگر صرف اس کا نام باقی رہے گا نمبر ایک ولا يبقى قرآن قرآن باقی نہیں رہے گا مگر صرف جو ہے اس کی رسمن چیزیں چلتی رہے گی اور مسجد عالی شان ہوگی لیکن اس میں آنے والے نمازی اور اس میں جو ہے جو ہدایت کے چشمے جاری ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے اب اس پر آج ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اس میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرما بردار کس کا فرما بردار اللہ اور اس کے نبی کا فرما بردار ذرا ہم اپنے آپ میں غور تو کریں کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہاں کہاں سے اسلام کو ہم نے نکالا ہے اور کہاں کہاں سے ہم نے اسلام کی چیزوں کو دور کیا ہے گھر تو بہت دور کی بات ہے پہلے اپنی باڈی کو دیکھ لو لباس نبی والا ہے اسی طرح سے لباس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں باڈی کی لائن سے ان سنتوں پر ہمارا کیا عمل ہے ذرا سوچے تو صحیح دیکھے تو صحیح گھروں میں دیکھیں ہمارے گھر کیا مسلمانوں کے گھر ہیں یا غیروں کے ہیں گھروں میں بے پردہ عام ہے گھروں میں تلاوت کی جگہ گانے بج رہے ہیں گھروں میں فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے مدد کے اسباب کون سے ہیں کہ اللہ مدد بھیجے اس لیے ذرا سوچنا چاہیے نا کہ ہم وہ اسباب پیدا کریں کہ جس سے اللہ کی مدد آئے تو پھر مدد بھی اس حال میں آتی ہے پوری دنیا کی سپر پاوریں ایک طرف ہیں ایک نہیں 48 ممالک لیکن ایک طرف بیچارے ایسے کہ جن کے پاؤں میں چپل بھی نہیں پھٹی ہوئی چپل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر ان کو خلافت دیتا ہے اور وہ حال ہے کہ آنکھ اٹھائے تو دشمن کا پیشاب کیا سارا فارغ ہو جائے لیکن ہے اندر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے سب کچھ ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنے اندر چینج اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن دامن جھٹک کر چلے جاتے ہیں کہ مولانا نے جو کہا ہو ان کے پاس رہے ہمارا جو ہماری جو ڈیوٹی ہے روزانہ کی اسی میں ہم چلتے رہیں گے اور اب تو دامن بھی بہت کم ہے شٹ والے تو بیچارے ان کا تو دامن ہوتا ہی نہیں ہے کہ کچھ پڑے پلے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس موقع کو ہم غنیمت جانیں اپنے ایمان پر باقی رہنے کے لیے وہ محنتیں کریں کہ جس سے ایمان باقی رہے اور وہ محنت کیا ہوگی قرآن کریم سے جوڑ علماء کے ساتھ جوڑ نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ تو پھر دل میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو دل میں وساوس آنے ضروری ہے کوئی واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں شادی کی اب یہ کہہ ہو رہا ہے کہ جن کے مذہب کا نہ کوئی پاؤں نہ کوئی ہاتھ کچھ بھی نہیں ان سے ذرا پوچھے کہ تمہارے تو 6 سال کی ساتھ شادی کی ہے
अब वो सवाल कर रहा है, उलमा से ताल्लुक होगा तो आप पूछेंगे, रब्त होगा तो आप पूछेंगे। इसलिए इस वक्त ज़हनी एतबार से मुर्तद करने के लिए, ज़हनी एतबार से इस्लाम से दूर करने के लिए पूरी स्कीम चल रही है, और उसमें हमारे नौजवान जो है फंस रहे हैं। अगर उलमा से ताल्लुक होगा, नेक लोगों के साथ ताल्लुक होगा, तो पूछेगा वो कि भाई हमारा मजहब क्या कहता है, हमारे मजहब में क्या चीजें हैं और इनके पास क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने जो मौका दिया है, इस मौके को गनीमत जाने। मैं आपके सामने कुरान करीम से उस वक्त का वाकया रख रहा हूं कि जिस वक्त जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मदीना में गिरे हुए हैं। आप इस वाकये में देखें कि क्या हम इससे ऐसे हालात में है। इस वाकये से आपको पता चलेगा कि क्या हम वाकई ऐसे हालात में हैं जैसे नबी पर आए, जैसे आपके सहाबा पर आए ना। अल्लाह जो आजमाता है ना, कैपेसिटी के मुताबिक आजमाता है, कैपेसिटी के मुताबिक आजमाता है। वरना नहीं सुना बनी इसराइल का सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई, उस वक्त तो फिरौन जो है बनू इसराइल की किसी नरी ना औलाद लड़के को जिंदा ही नहीं रहने देता था, जबा कर दिया जाता था। आज तो वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल मैं ये वाकया आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस वक्त हमें अपने ईमान पर बाकी रहने के लिए जरूरत है कि हमारे लिए तसल्ली के असबाब हो, और वो तसल्ली क्या है? सहाबा की जिंदगी, नबी की जिंदगी, औलिया अल्लाह की जिंदगी, नेक लोगों की जिंदगी। इससे हमें तसल्ली मिलेगी कि हम जिन हालात में भी हैं, चाहे हमारे पास दुनिया ना हो, दुनिया की चीजें ना हो, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम मुझसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है। बाकी ये चीजें तो वो है कि कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना होना है। तो माल भी फना हो जाएगा, चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। इसीलिए कुरान करीम ने वो बात बताई, ये बात बताकर मैं वो वाकया आपको सुनाऊं। कम तरकू मिन जन्नाति वउयून वकुनूज वमकाम करीम وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ। اللہ اس میں بیان کر رہا ہے کم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونَ, तुमसे पहलों को देखो कि क्या क्या छोड़कर गए, बागात छोड़कर गए, महल्लात छोड़कर गए, चश्मे, ये सारी चीजें छोड़कर गए, बड़े बड़े मिलियनर। व कुनूज़ व मकामिन करीम, खजाने छोड़कर गए, तीन पीढ़ी तक चले ऐसे खजाने, अच्छे अच्छे फ्लैट, अच्छी अच्छी जगहें छोड़कर गए, वो मकामिन करीम। लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि जिनका था वो तो चला गया, अब हम दूसरों को वारिस बनाएंगे, इसका बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, साथ तो कोई नहीं ले जाता। लेकिन दुनिया की जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है। अल्लाह कह रहा है कि फमा बकत अलैहिम अस्समाउ वल अर्व, ऐसे मालदार की मौत पर न आसमान रोया न जमीन रोई। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। बाकी हदीस में आता है कि जब फरमा बरदार दुनिया से रुखसत होता है, वो जमीन रोती है जिस जमीन पर वो सजदा करता था, आसमान का वो दरवाजा रोता है, और उस जगह जो है रहने वाले रोते हैं जहां से उसके अच्छे आमाल जाते थे।
बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये बात बतला कर ये बतलाना चाह रहे हैं कि दुनिया और दुनिया की हैसियत मेरी नजर में कुछ नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा रब कहता है कि अगर मेरी नजर में दुनिया की कीमत मच्छर के पल के बराबर होती, मच्छर का जो पर होता है बहुत छोटा होता है, एकदम बारीक, नजर भी नहीं आता, इसके बराबर भी अगर होती तो मैं दुनिया में अपने नाफरमान को एक घोंट पानी का ना देता। लेकिन मिल रहा है उनको, हमसे अच्छा मिल रहा है, क्यों? अल्लाह की नजर में इसकी कोई कीमत नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमारे लिए तो अच्छा सौदा है कि यहां अगर फुटपाथ पर भी गुजर जाए लेकिन वहां अगर जन्नत और जन्नत की नियामतें मिल गई तो हमसे बड़ा जो है खुशकिस्मत कोई नहीं है। फकद फाज, कामयाब वही है जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया। बहरहाल कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने एक गजवे को, एक लड़ाई को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में है, उसको बयान किया है। और वो लड़ाई इतनी सख्त है कि उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन है, आपकी घरवाली है, वो कहती है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सी लड़ाइयों में शरीक हुई, बदर में, उहद में, तबूक में, मुरीसिह में, इन सब लड़ाइयों में शरीक हुई, लेकिन आपको मैंने सबसे ज्यादा अगर बेचैन पाया है तो गज़वे अहज़ाब में पाया है। आप बहुत बेचैन रहते थे, बहुत फिक्रमंद रहते थे, हालांकि बदर में 313 थे, सामने 1000, फिर भी उम्मे सलमा फरमाती है कि इस लड़ाई से ज्यादा मैंने अल्लाह के नबी को कभी जो है इतना बेचैन नहीं पाया। अब इससे अंदाजा लगाओ कि कितने सख्त हालात होंगे। लेकिन सहाबा इकराम ने क्या किया? सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर लब्बैक कहा। नतीजा यह हुआ कि ये लड़ाई कुफार की तरफ से आखिरी लड़ाई हो गई। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला उसको बतला रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा। ऐ ईमान वालों, याद करो उस नियामत को, उस नियामत को याद करो, इज़ जाअतकुम जुनूदुन, जब लश्कर आया हुआ था तो हमने क्या भेजा? हवाएं भेजी ठंडी, और ऐसा लश्कर भेजा कि जो तुम तो नहीं देख रहे थे लेकिन मैं जो है इस लश्कर की कमान कर रहा था और मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। पूरा नक्शा कुरान करीम ने बयान किया है कि किस तरह से ये वाकिया पेश आया। हदीस पाक के अंदर जो बिखरी हुई बातें हैं उसको मैं यकजा करके मुख्तसर तौर पर आपके जहनों में इसलिए बिठाना चाह रहा हूं ताकि हमें तसल्ली मिल जाए कि सहाबा इकराम पर जो हालात थे वो हम पर नहीं है, बनो इसराइल पर जो हालात थे वो हम पर नहीं है, क्योंकि हम कमजोर ईमान वाले। लेकिन इस हाल में भी अगर डगमगा गए तो दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। इसलिए कुरान करीम में जो ये गज़वे अहज़ाब, जिसको गज़वे खंदक भी कहते हैं, अहज़ाब नाम है हिज़्ब की जमा है, जिसका मतलब ये है बहुत सारी पार्टियां आई हुई थी लड़ाई के लिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तने तनहा, ज्यादा कुछ नहीं है, सामान हर्ब भी नहीं है, खाने पीने का भी सामान नहीं है, ऊपर से ये कि ठंडी भी बहुत ज्यादा है, ओढ़ने के असबाब भी इतने ज्यादा नहीं है। इन हालात में अल्लाह के नबी ने किस तरह से मुकाबला किया और सहाबा किस तरह से ईमान पर जमे रहे, ये समझने वाली बात।
सबसे पहली जो लड़ाई है वो बदर 2 हिजरी में, उसके बाद 3 हिजरी में उहद, उसके बाद 4 या 5 हिजरी में अहजाब की लड़ाई हुई। इसके मुतालिक पस मंजर यह आता है कि बनू नजीर और बनू वाइल कबीले जो थे, इनके 20 अफराद जो बहुत तशद्दुद वाले थे, जिनको पसंद नहीं था बिल्कुल कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जो है इस्लाम फैलाए, दावत फैलाए, जिनको पसंद नहीं था, तो ये अफराद मक्का आए, लेकिन ये थे यहूदी, ये थे यहूदी। जिस साजिश का भी सीरा और उसकी जड़ तलाश करनी हो, बिगनिंग पॉइंट, तो उसको तलाश करोगे तो वहां कोई यहूदी ही मिलेगा, शातिर दिमाग। आजकल दुनिया में जो भी हालात है, इन सब के पीछे वही है। बहरहाल ये मौजू अलग है, वक्त भी नहीं है। तो ये अफराद 20 आदमियों का टोला बनाकर कुरैश के पास गए मक्का में, और मक्का में जाकर चूंकि अबू जहल वगैरह तो दुनिया से जा चुके थे, उस वक्त सरदार कुरैश जो थे वो अबू सुफियान रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, बाद में ईमान लाए, तो उनके सामने जाकर ये कहा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, एक काम करते हैं, सब मिलकर इनको ख़त्म कर देते हैं ताकि बात पूरी हो जाए, न बजे बांस न रहे बांस, न बजे बांसरी वाला मामला हो जाए। हम एक फार्मूला लेके आए हैं, और वो फार्मूला ये है कि आप मक्का से आओ लश्कर लेकर, हम सारे कबीले रास्ते से मिलते जाएंगे और पूरी मदद करेंगे, एक बार की जो है मदीना पर हमला करके इन सब को खत्म कर दे। तो ये अफराद जो आए थे, इन्होंने बात तो रखी, लेकिन अबू सुफियान बहुत चालाक आदमी थे, उनको पता था कि बदर और उहद में क्या हुआ है, तो उन्होंने पहले इम्तिहान लिया कि ये तो यहूदी है, हम मुशरिक है, हमारा तो इनसे कोई मेल जोल है ही नहीं, अगरचे वो इस्लाम नहीं मानते लेकिन अल्लाह को तो वो मानते हैं, और हम तो अल्लाह के साथ कईयों को मानते हैं, जिस तरह से आज अल्लाह के साथ कईयों को, कितने वो उनको भी पता नहीं है, कभी कोई भगवान जन्म लेता है, कभी कोई गौड़ जन्म लेता है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे से, अकल तो पता नहीं, गिरवी रखने की भी कोई जगह उनके पास नहीं थी, इसलिए बिल्कुल कोरे ही है। ये इसमें भी बहुत बड़ा इशारा है, इसमें भी आपके ईमान पर जो है, ये जो मैंने बात कही, इसमें भी आपको अपने ईमान पर शुक्र अदा करना चाहिए और तौफीक मिलनी चाहिए कि हम इतने बेवकूफ नहीं है कि लम यलिद वलम यूलद की जगह जो है आज कोई पैदा हो रहा है, कल कोई पैदा हो रहा है, कल कोई आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, कोई बेचारा शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई लड़कियों के कपड़े लेके भाग जाता है और वही गौड़ बना हुआ है। यह आपके जहनों में बिठा रहा हूं क्यों, इसलिए ताकि तुम तौहीद पर मजबूत रहो, पक्के रहो। हजरत मौलाना अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बड़ी अजीब व गरीब, वही बात जो सैयदना याकूब ने अपने बेटों से कही। हजरत लिखते हैं कि अगर मेरे सामने दुनिया के टॉप लेवल के आदमी हो और बहुत बड़ा मजमा हो और मुझे सिर्फ 5 मिनट दिए जाए, तो मैं उन 5 मिनट में क्या कहूंगा। जाहिर सी बात है कि सब समझने वाले लोग, बड़े बड़े लोग, और सिर्फ 5 मिनट का मौका दिया जा रहा है, तो आपने फरमाया कि मैं इन लोगों से कहूंगा, इनसे पूछूंगा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, यानी मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में जो तुम्हें अल्लाह की तौहीद पढ़ाई है, बताई है, तुम उसके ऊपर जमे रहोगे कि नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि नाबुदु इलाहक, तो मैं कामयाब हो गया। अगर वो मजमा ये कह दे कि हम आपके रब की इबादत करेंगे, जिसकी आपने हमें तालीम दी है, हम उसी की इबादत करेंगे, तो कहते हैं हजरत कि अगर मजमा ये जवाब दे तो मैं कामयाब हो गया। इसलिए चाहे जिन हालात से गुजरें, लेकिन हमारा ईमान न डगमगाए, यही है असल। और साहबा के साथ यही पेश आया। बहरहाल ये हजरत वहां गए, और वहां जाने के बाद जो है जब ये बात हुई, तब वो सुफियान ने कहा कि भाई पहले ये बताओ तुम कि तुम्हारा जो फार्मूला है, वो बात तो हम सोचेंगे, लेकिन पहले ये बताओ
कि मोहम्मद का दीन अच्छा है या हमारा दीन अच्छा है, यानी जो इस्लाम चलाते हैं वो अच्छा है या हम जो शिर्क कर रहे हैं, आज इसकी पूजा कल इसकी पूजा, लात मनात उज्जा हबल, उस वक्त वो थे आज और है, वो तो आज से भी बहुत अच्छे थे बेचारे, सिर्फ नर की पूजा करते थे, आज तो मादा ज्यादा है, मेल फीमेल वाली बात, मेल फीमेल, वो तो इतने तो अकल वाले थे था उनमें, लेकिन इक्का दुक्का था, लेकिन आज फीमेल का गलबा है। अल्लाह बचाए और अल्लाह जो है हिदायत के कोई सामान पैदा करे। बेचारे मुस्तहिक हैं, घर वापसी में बेचारे ऐलान तो करते हैं लेकिन उनको ये खुद को पता नहीं है कि हम जिस जंगल में हैं वहां से इस्लाम की घर वापसी कर लें तो बहुत बेहतर होगा, दुनिया बन जाए आखिरत बन जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला क्या है मालूम है, दुनिया में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा क्रिश्चियनिटी से लेकर और लोगों को इस्लाम हजम जल्दी होता है लेकिन शिर्क करने वाले को इस्लाम हजम नहीं होता, बहुत कम। और ये नई बात नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देख लो, बाद वाला जमाना देख लो और आज का भी देख लो। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि जो खुले जहन से तलब हिदायत के साथ अगर किसी चीज का रिसर्च करता है तो जाहिर सी बात है कि बर्तन सीधा है, अल्लाह की तरफ से हिदायत पड़ती है। लेकिन यहां तो मामला ये है कि इन्ना वजदना आबा अना, हमने अपने बाप दादा को जैसे पाया था वैसे ही हम भी चल रहे हैं। सैयदना इब्राहिम ने जब इनसे पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो यार, ये क्या लगा रखा है तुमने, ला तंतकून, न ये तुमसे बात करते हैं, इनके पर मक्खी बैठ जाए ये उड़ाने के काबिल नहीं और तुम इनकी पूजा करते हो, तो इन्होंने क्या कहा, इन्ना वजदना आबाना, हमने तो अपने बाप दादा को देखा था इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब वो बाप दादा कहां जाने वाले, सैयदना इब्राहिम ने कहा कि बाप दादा भी तुम्हारे जहन्नम में और तुम भी वहीं जाओगे अगर तुम ईमान नहीं लाओगे। तो बहरहाल गज़वे अहज़ाब का मुख्तसर जो है मैं आपके सामने किस्सा रखूं, ये अबू सुफियान, उन्होंने इनसे कहा कि पहले ये बताओ तुम्हारा मजहब अच्छा है कि हमारा अच्छा है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहा कि तुम्हारा ही अच्छा है यार, हालांकि ये जो बात कर रहे थे वो अपनी किताब की तालीमात के खिलाफ थी, क्योंकि उनके यहां भी शिर्क नहीं था, उनके यहां भी बहरहाल वो एक नबी की कौम है, सैयदना मूसा की कौम है, उनके यहां शिर्क नहीं था, लेकिन फिर भी सियासी चालबाजियां, कौन दोस्त और कौन दुश्मन इसका कोई हता पता नहीं, तो उन्होंने भी वही चाल चली और कहा कि नहीं नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहब क्या, तुम्हारा ही अच्छा है। अच्छा तो फिर चलो इससे बात नहीं बनेगी, यहां काबतुल्लाह के अंदर गिला पकड़कर कहो, अल्लाह की बुर्दबारी देखो कि ये मक्का के मुशरिकीन, ये आने वाले ये सारे अफराद गिलाफ काबा से चिमट कर ये कसम खाते हैं कि हम मोहम्मद और उसकी जमात को मिटा देंगे। कहां कसम खा रहे हैं? काबा में, गिलाफ काबा को पकड़कर, और काबे वाले का काबा जिसने बनाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सब कुछ देख रहा है, फिर भी जो है जमीन नहीं फटती, आसमान से बिजली नहीं गिरती, क्यों? इसलिए कि इनको मोहलत दी हुई है कि करो जो कुछ करना है बाद में देखता हूं। बहरहाल ये सब के सब हजरात इस पर तय हो गया कि अब हम जो है यहां से लश्कर लेकर चलेंगे, रास्ते में जो है जितने कबाइल है वो सारे आएंगे। बहरहाल ये तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4000 तो यहां से चले, रास्ते में सब मिलते गए, एक रिवायत के मुताबिक 12, एक रिवायत के मुताबिक 15000 का लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुआ, सारे के सारे दुश्मन, अतराफ के कबीले जो थे वो भी सब। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आपने सबसे पहले जो जुमला कहा वो क्या कहा? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वजीफा अपनाओ, इसको अपनी जिंदगियों में लाओ, कोई भी काम हो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जाहिर में नहीं हो रहा है लेकिन हम यही जुबान पर लाए,
न होने वाली चीज करने वाला वो है, ये अपनी जुबानों पर लाए। बाकी कहां मुकाबला था, यहां 3000, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, घोड़े नहीं, कुछ भी नहीं है। ये 3000 में सिर्फ 36 घोड़े, और वो आ रहे उनके साथ 1000 ऊंट, 300 घोड़े और 15000 का लश्कर, खाने पीने का सारी चीजें, कोई मुकाबला है नहीं। लेकिन जब इन्होंने घेराव, जब वहां से चले हैं, यहां खबर मिली है, साहबा को बुलाया आपने और मशवरा किया। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने ये राय दी, अल्लाह के नबी मदीना के अतराफ में खंदक खोद दी जाए ताकि ये लोग अंदर ना आने पाए। बहरहाल तय हो गया खंदक खोदने का मामला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-10 आदमियों की टोली बनाई और 6.5 मील की खंदक तकरीबन खोदी गई। खड्डा गहरा कितना था, 5 वार से ज्यादा। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला की रिवायत में आता है कि हम 10 आदमी रोजाना 5 गज लंबी और 5 गज गहरी खंदक खोदते थे। ये सहाबा ने कर लिया। इधर ये हुआ, उधर वो लश्कर जब आ गया तो मदीना के आसपास खंदक से इधर तो नहीं आ सकते थे, इसलिए बाहर डेरा डाल दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त तश्वीश में है, फिकर में है। 1-2 दिन नहीं, 1 माह तक यही हालात रहे, 1 महीने तक। और हालात क्या थे, हालात ये थे कि खाने को कुछ नहीं था। यहां तक नौबत आई कि जब साहबा खंदक खोद रहे थे, एक वक्त वो आया, देखो साहबा को तसल्ली अल्लाह के नबी कैसे दे रहे, खुद आप खंदक खोदने में मशगूल है, खुद आप खोद रहे हैं, आपके साथ मुहाजिरीन और अंसार है। क्या ये नहीं हो सकता था कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेज देता, ना। दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह ने सबब बताया कि देखो तुम्हारा नबी मजदूरी कर रहा है, अगर तुम्हें मजदूर बनकर दुनिया में रहना पड़े, लेकिन अगर ईमान सलामत रहता हो तो मजदूर बन जाना, इसलिए कि इमामुल अंबिया भी इस हाल से गुजरे। ये सबक था उम्मत के लिए। एक सहाबी ने अपना पेट दिखाया और बताया कि अल्लाह के नबी पेट पर पत्थर बंधा हुआ है, खाने को कुछ। अल्लाह के नबी ने अपना दामन उठाया, 2 पत्थर बंधे हुए थे। ए मेरे सहाबी, तूने तो 1 बांधा है, मैंने 2 बांधे। इस हाल में ये जिंदगी गुजरी है। ये क्यों, आने वाले कयामत तक के गरीब मुसलमानों के लिए इसमें सबक था कि अगर मुआशी हालात आए, बेरोजगारी वाले हालात आए, तो कहीं घबराना नहीं, इसलिए कि तुम्हारे नबी के यहां तो ऐसा भी हुआ है। अम्मा आयशा फरमाती है, 1 चांद चला जाता है यानी 1 महीना, 2 चांद चला जाता 2 महीने, 3 चांद चला जाता, लेकिन नबी के घर में पानी और खजूर के अलावा कुछ नहीं होता, चूल्हा जलता ही नहीं था। क्या मेरा आपका ईमान नहीं है कि अगर अल्लाह के नबी चाहते, रब्बुल इज्जत की कसम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए आसमान से दस्तरखान आ सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए भी जरूर आता। लेकिन आपने क्या कहा, आपसे तो कहा गया था, पेशकश की गई थी, अगर आप चाहें ओहद पहाड़ सोना बनकर आपके साथ चलें। फरमाया ना, अल फक्र फखरी, फक्र तंगी ये मेरे लिए प्राउड है, मेरे लिए फख्र की बात है। अल्लाह मैं तो चाहता हूं 1 दिन खाना अता कर दे ताकि तेरा शुक्र अदा करूं, 1 दिन भूखा रख ताकि मैं सब्र कर लूं। क्यों, शुक्र और सब्र दोनों का बदला जन्नत है। भाई ऐसे हालात तो नहीं है ना हम पर, तो अब बताओ इन हालात में हमारे लिए क्या जरूरी है। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम अपने ईमान को, अपनी औलाद के ईमान को, अड़ोस पड़ोस वालों के ईमान को और दुनिया में जो बे ईमान है उन तक अमली दावत भी पहुंचाए, जबानी दावत भी पहुंचाए। बहरहाल ये वाकया तो बयान नहीं होगा, लेकिन कुछ अंश आपको बता दूं कि कैसे हालात आए।
सहाबा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर जो है मदीना में हैं, उधर वो कभी तीरंदाजी उधर से होती है, कभी पत्थर फेंके जाते हैं, ये हालात चल रहे हैं मुसलसल। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि ईशा तक दोनों तरफ से तीरंदाजी हुई, यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार नमाजें कजा हुई जो उस वक्त ईशा के साथ पढ़ी गई, और अल्लाह के नबी ने जो है बददुआ की कि अल्लाह जिन लोगों ने हमें नमाज से रोके रखा उनके घरों को आग से भर दे। कितने सख्त हालात, इससे भी आगे की सुनिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने बहुत परेशान कि अल्लाह के नबी की भूख मुझसे नहीं देखी जा रही, खंदक खोद रहे हैं मुझसे नहीं देखी जा रही। घर आए, बीवी से कहा कि कुछ है घर में? हमारे यहाँ तो पूरे साल का अनाज पड़ा रहता है, दो साल का भी पड़ा रहता है, ये सहाबी रसूल है। कहा कि और कुछ तो नहीं है? एक सा गेहूं और जौ है। एक सा का मतलब अभी जो फितरा निकालते हैं बस इतना इतना ही, पौने दो किलो के करीब, पौने दो किलो के करीब। और तो क्यों, और तो बकरी का बच्चा है, इसको जबा कर दे और अल्लाह के नबी को दावत दे दे। कहा कि ठीक है। जाने लगे तो बीवी ने वापस बुलाया कि वापस आओ, देखो अल्लाह के नबी के साथ तन्हाई में ये बात करना, अकेले में, क्योंकि सहाबा है साथ में और 1500 है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे आ जाए और मुझे शर्मिंदा करे तू, इसलिए अल्लाह के नबी उनके पास दो चार आदमी होंगे तो चल जाएंगे। कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने वहां पहुंचे और अल्लाह के नबी से अर्ज किया। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है, ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। जब आते हुए देखा तो हजरत जाबिर की घरवाली घबरा गई कि इतने सारे लोग आए। हजरत जाबिर को बुलाया और कहा कि तुमने अल्लाह के नबी को बता दिया था? कहा कि हाँ मैंने बता दिया है। उस औरत का ईमान देखो, वो कह रही है कि जब अल्लाह के नबी को तुमने बता दिया है अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल्लाह जाने और उसका नबी जाने। सबब क्या है? छह आदमियों का खाना है, लेकिन जब ये कहा गया कि अल्लाह के नबी को बताया गया, उस औरत के अंदर ईमान इतना पुख्ता है कि अब हमें डरने की जरूरत नहीं, ये 1500 नहीं 1,500,000 भी आ जाए तब भी जो है वो खा लेंगे, इसलिए कि अल्लाह के नबी के सामने है ये बात। कितना पक्का यकीन होगा मेरे भाई, अंदर कितना मजबूत होगा। बहरहाल हजरत जाबिर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक हम ना आए रोटियां ना बनाई जाए और जो हांडी है उसमें से सालन न निकाला जाए। आप आए, रोटियां बनाई गई, सालन निकालते रहे, खाते रहे, सहाबा 1500 सहाबा वो भी भूखे, सब ने खाना खाया। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब सारे लोगों ने पेट भरकर खाना खा लिया, हमने अपने आटे की तरफ और अपनी हांडी की तरफ देखा, उसमें से कुछ कम नहीं हुआ था, सारा का सारा वैसा ही पड़ा था। हमने फिर खाया और पड़ोसियों में तकसीम किया। ये नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा था। लेकिन यहां सबक क्या मिल रहा है? भूखे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा खंदक खोद रहे हैं। मौका आ गया एक ऐसा भी कि जिसमें जो है पत्थर नहीं टूट रहा था। यहां भी ताबेदारी की बात है इसलिए बता रहा हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत सलमान जिस जगह थे उस जगह एक पत्थर आया जो टूट नहीं रहा था। अल्लाह के नबी को बुलाया गया। यहां एक बात है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि मैंने हजरत सलमान से कहा कि अगर ये लकीर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खींची है अगर इससे हटकर खोद दिया जाए तो ये पत्थर हमें बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि नबी की लगाई हुई लकीर से हम हट जाएं, ये नहीं होगा, आपको इत्तला देनी पड़ेगी। सहाबा नबी की लगाई हुई लकीर से हटने के लिए तैयार नहीं, और हम सुन्नतें तो क्या, फराइज भी हमारे छूट रहे हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी आए,
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے دیکھا اللہ کے نبی خود خندق کھود رہے ہیں, مٹی آپ کی پیٹھ پر ایسی لگی ہوئی ہے کہ کبھی مٹی نظر آتی ہے اور کبھی جو ہے آپ کی چمڑی نظر آتی ہے. اس حال میں یہ کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا. ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. بہرحال تشریف لائے, کدال اٹھایا, پہلا جب کدال مارا تہائے پتھر ٹوٹ گیا, ایک روشنی ضائع ہوئی. دوسرا مارا اس سے کچھ ٹوٹا, روشنی ضائع ہوئی. تیسرا مارا پورا پتھر ختم. آپ باہر آئے, چادر لے کر بیٹھ گئے. حضرت سلمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے اس کے اللہ کے نبی, میں نے جو دیکھا وہ آپ کو کہہ رہا ہوں, تین مرتبہ میں نے روشنی دیکھی جب آپ کدال مار رہے تھے. کہا کہ واقعتاً سلمان تو نے یہ دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ اب سنو, پہلی مرتبہ جب کدال ماری مجھے کسرا اور یمن کے محلات دکھائے گئے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت فتح کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے گی. دوسری مرتبہ کدال میں روم کے سرخ محلات دکھائے گئے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت یہاں تک پہنچے گی فتح کرتے ہوئے. کس وقت کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کہا جا رہا ہے جس وقت باہر لڑنے والے 15,000 ہیں, یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایسے حال میں یہ صحابہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں, صحابہ یقین کر رہے ہیں اور منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق والذین فی قلوبہم مرض, ان کے جن کے دلوں میں مرض تھا ان کی زبان پر کیا تھا؟ یہ تو وعدے ہی کرتے جا رہے ہیں, یہاں کھانے کو لالے پڑے ہیں اور قیصر و کسرا کی فتح کی بات کر رہے ہیں. منافقین یہ کہہ رہے ہیں. اور پکے ایمان والے کیا کہہ رہے تھے؟ پکے ایمان والے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے نبی نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچ ہونا ہے. یہ تھا ان کا ظاہر میں اس پر یقین کرنے کا کوئی سبب نہیں تھا, لیکن سنا یہ کہ ہم نے نبی کی زبان سے سنا ہے. صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ نبی کے زبان سے جو چیز سنی ہے وہ ہو کر رہنی ہے, چاہے ہماری آنکھ غلط دیکھے, ہمارے کان غلط سنے, نبی کی زبان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. بہرحال بات تو ادھوری رہ گئی, لیکن یہ دو تین باتیں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ اس میں آ گئی. اور ساتھ یہ بھی بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس فکر سے نجات دلانے کے لیے ایک موقع پر یہ بھی کہا, غطفان والوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, تم چلے جاؤ, مدینہ کی جو کھجوریں ہیں اس کا تہائی حصہ تمہیں دے دیں گے, تم مشرکین سے ہٹ جاؤ. معاملہ طے ہونے والا تھا لیکن صحابہ کو پھر مشورے کے لیے بلایا تو سعد بن عبادہ, سعد بن معاذ آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا کہ ایسی ایسی بات ہے. صحابہ کا ایمان دیکھو, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر یہ اللہ کا حکم ہے, آپ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے, تو ہمیں بولنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, ہم نہیں بول سکتے اللہ کے حکم کے سامنے. اور آپ کی اگر یہ طبعی رائے ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, تب بھی ہم نہیں بولیں گے کیونکہ آپ کا حکم بھی ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن اگر آپ ہماری مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ اگر یہ سودا کرنا چاہتے ہیں تو سنیں, جب ہم مشرک اور بت پرست تھے ہم اپنی پیداوار میں سے ان کو ایک دانہ نہیں دے 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 الا یہ کہ وہ ہمارے مہمان بن جائے یا سائل بن کر آئے. اب تو ہم ایمان والے ہیں, رب العزت کی قسم ہم انہیں ایک دانہ نہیں دیں گے, ان کو تلواریں دی جائے گی. صحابہ کس قدر جو ہے دل میں ایمان کا جذبہ تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا تمہاری تکلیف کو دیکھتے ہوئے. کہا کہ نہیں اللہ کے نبی, ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, ہمارا مرنا اور جینا آپ کے ساتھ ہے, یہ تکلیفیں تو آتی جاتی رہیں گی لیکن جنت آپ کے ساتھ ہے اور جنت والی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو آپ پر قربان ہیں. میرے بھائیوں, اس لیے یہ واقعہ تو بہرحال ادھورا رہا لیکن اس میں جو باتیں تھیں وہ باتیں آپ کے سامنے آئی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ماہ کے بعد اللہ کی طرف سے فارسلنا علیہم ریحا, اللہ کی طرف سے جو ہے ہوائیں آئی, ادھر جو ہے یہ سارے خیمے وغیرہ ساری چیزیں اڑ گئی مشرکین کی, اور ادھر ان کے لشکر میں پھوٹ بھی پڑ گئی.
तो फिर उन्होंने कहा कि यार चलो अब यहां से वापस, अब मजा नहीं आएगा। तो अबू सुफियान अपने काफले को लेकर वापस चले हैं। इधर अल्लाह के नबी ने कहा कि अब ये हम पर कभी हमला आवर नहीं होंगे, हम इन पर हमला आवर होंगे, अब इनका आना खत्म। बतलाना ये है कि देखो किन हालात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा, और क्या मैं और आप का ईमान हो सकता है ऐसा? एक सहाबी के अदना ईमान के बराबर भी हमारा ईमान नहीं। इतना पावरफुल ईमान वाला मजमा, लेकिन उसके बावजूद ये हालात क्यों? हसीबन्नास अयुतरकू अयकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ये नहीं हो सकता है कि ईमान भी लाओ और आजमाए न जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान में एक जगह है, दूसरी जगह कि तुमसे पहले लोग ऐसे थे, ईमान लाए, उन पर ऐसे हालात आए और ऐसे झिंझोड़े गए और इतने हालात से गुजरे कि वक्त के नबी और कौम सब कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? जिस तरह से आज हम कह रहे हैं आएगी, कोई शक नहीं है इसमें, आएगी। अपने आप को हम बदल दें, कैसे बदल दें? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बड़ा मशहूर है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु गज़वे बदर में अब्दुर्रहमान बेटा होने के बावजूद कुफार के साथ है, इधर सिद्दीक अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ईमान लाने के बाद अपने बाप से कहने लगे, ईमान किस चीज का नाम है वो सुनो, आज तो हम गैरों की तकलीफ में और गैरों की बात मानने में सुन्नतों का जनाजा निकल रहे हैं, सहाबी का ईमान सुनो। सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि अब्बा जान, बदर की लड़ाई में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, नीचे आ गए थे, बाप समझकर मैंने छोड़ दिया। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता, नीचे आता, मैं तुझे बेटा समझ कर न छोड़ता, मेरे रब की कसम। अब्दुर्रहमान सहम गए, बाप बेटे को कहा कि हां बाप बेटा रिश्तेदारियां मोहम्मद के रिश्ते के सामने कुछ नहीं है, हम तो ये सारी रिश्तेदारियां मोहम्मद के झूठों में कुर्बान कर चुके। तू चूंकि मुशरिक था और मेरे नबी का दुश्मन था, मेरी तलवार तुझ पर बरसने से न रुकती, ये ईमान था। और हम थोड़ी सी चीज में हमसे जो है सुन्नतें, बस एक वाकया बतला दूं, बात को खत्म करूं, हम अपने ईमान पर मुकम्मल एतमाद रखें, अपने बच्चों का जो फ्यूचर बना रहे हैं सबसे पहले ईमान बनाइए, चाहे दुनियावी एजुकेशन हो, जो कुछ हो, जितना आगे भेजना है भेजें, लेकिन इनके दिलों में तौहीद डालें, इनके दिलों में तौहीद डालें, अल्लाह और उसके नबी की बातों को डालें, इनको बताएं। मसला ये है कि हमने अपनी औलाद को ये नहीं बताया जो बताना चाहिए। अब तो हाल ये है कि दुनियावी तालीम जो है कुरान की तालीम पर गालिब आ गई है, कुरान की तालीम को पाबंद बना दिया है कि भाई बच्चा था कि वो तो स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, भाई पढ़ने वो तो मगरिब बाद वक्त मिल जाता है, असर के बाद वक्त मिल जाता है तो चला जाता है। हालांकि ये तालीम, इससे रोजगार तो हासिल हो सकता है, ये सकता है बहुत बड़ी चीज है। जॉबलेस हो रही है आज दुनिया, सिर्फ देश नहीं दुनिया जॉबलेस हो रही है, तो ये दुनिया की तालीम ये रोजगार के लिए तो हो सकती है, लेकिन वो जो है ना कुरान की तालीम, ये आपकी दुनिया और जन्नत बनाने के लिए है। लेकिन उससे हमने मुंह मोड़ा हुआ है और इस तरफ भाग रहे हैं, और भागने वाले भी इतने ज्यादा है कि कोई किसी को पूछता ही नहीं कि भाई कहां जा रहा है, किसी का कोई ठिकाना नहीं। भाई एक पटा वाला 1500 चाहिए तो 800,000 दरखास्त है, फिर भी लोग भाग रहे कि इसी में जाएंगे। मैं मना नहीं करता, लेकिन बहरहाल ये कह रहा हूं कि कुरान की तालीम को हमने इसके ताबे बनाया ना, कुरान के नीचे ये चीजें होनी चाहिए। मौत के बाद, मेरे और आपकी मौत के बाद, ये चाहे जितनी डिग्रियां पढ़ा लो, इनमें से कुछ भी बख्शेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान का एक हर्फ भी बख्शेगा 10 नेकियां जरूर मिलेगी, ये तो मानते हो ना? बस तो इतना कुरान तो पढ़ा लो कि मौत के बाद ये आपको बख्शे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
मुबारक रातें मुबारक अय्याम दिए हैं, सारी चीजों से कट कर हट कर जो असबाब को पैदा करने वाला है उससे मांगो और उसके सामने गिड़गिड़ाओ। जब उसके सामने मांगोगे गिड़गिड़ाओगे वो तो देने के लिए तैयार ही है, वो जानता है कि हम कितने कमजोर है, वो जानता है कितने कमजोर है। उसे वो बंदा बहुत अच्छा लगता है जो आजिज बनकर उसके सामने आए, बहुत अच्छा लगता है वो बंदा। नेकोकार से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितने इस गुनहगार आजिज से अल्लाह मोहब्बत करता है। नेकोकार से इतनी मोहब्बत नहीं होती क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं तो अपने बंदे का इंतजार करता हूं कि वो कब तौबा करे, इंतजार में है वो। तो आपने हदीस में ये नहीं सुना होगा कि अल्लाह तबारक व ताला जो है फुला ने इतने नफल पढ़े ये पढ़े वो पढ़े इसका तस्किरा फरिश्तों के सामने, ना ये नहीं। लेकिन ये जरूर सुना होगा कि गुनहगार जब फर्श पर जमीन पर तौबा करता है रब्बुल आलमीन अर्श पर फरिश्तों के सामने कहते हैं कि मेरा फुला बिनते फुला बंदा उसने जमीन पर तौबा की है, फरिश्तों गवाह रहो मैंने उनको माफ कर दिया है। तो गुनहगारों के बहुत करीब है, बहुत करीब। कितना करीब? नहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरी, ये जो शहरग है जिसके ऊपर जिंदगी का दारो मदार है इससे भी वो करीब है। जरा आके तो देखो, उसके सामने झुककर तो देखो, सारे मसले वहीं से हल होने। इसलिए मेरे भाइयों आज की रात या आइंदा रातें जो है इसमें हम अल्लाह से मांगे, ये ना हो कि यहां से बयान सुन लिया चले गए बात खत्म हो गई। ना पूरी रात जागना भी जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ओटलों पर बैठकर बातें करने से मना किया गया है कि पूरी रात को खोना न खोना ये जरूरी है, न खोना ये जरूरी है। आज ये है कि भाई 2 घंटे तो मस्जिद में और 6 घंटे बाहर, अभी काम नहीं है तो सो जाओ। पूरी रात शबे कदर में भी जागना जरूरी नहीं है, जितना मौका अल्लाह ने दिया है उसके मुताबिक। और ये शुरू कब से हो गई? मगरिब से शुरू हो जाती है। हम तो ये समझते हैं कि बयान हुआ इसके बाद शुरू होगी, ना, मगरिब से शुरू फजर तक जारी रहेगी। इसलिए इन चीजों में देखो एक अमल बता देता हूं और फिर दुआ कर लेते हैं, और वो अमल है सलातु तस्बीह का। सलातु तस्बीह तो सुना है ना, हाँ, 4 रकात पढ़ी जाती है। इसकी फजीलत को सुन लो और तरीका मुख्तसर सुन लो, फिर दुआ कर लेते, ठीक है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को बताते हैं और फरमाते हैं या अम्मा या अब्बास, ए मेरे चचा ए अब्बास, 4 मरतबा कहा। अल्लाह के नबी जब किसी बात की अहमियत होती एक से ज्यादा मरतबा बता दे। हजरत अब्बास को ये कहा, फिर कहा कि ए मेरे चचा क्या मैं आपको कोई हदिया न दूं, क्या मैं आपको कोई गिफ्ट न दूं, और फिर कहा कि क्या मैं आपको कोई ऐसी खबर न दूं कि जो आप अगर उस पर अमल कर लें तो आपसे बड़ा जो है अल्लाह के नजदीक कोई नहीं होगा। ये आपको मुतवज्जे करने के लिए, ये रिवायत अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, तिर्मिजी में, हर जगह ये मौजूद है, जो हजरत इब्न हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वाले। तो कहा कि हाँ, फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ए मेरे चचा अगर ये तुम अमल कर लोगे तो 10 नियामतें 10 चीजें अल्लाह की तरफ से होगी, और वो क्या? अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। कौन से? अव्वलहू व आखिरहू, जो पहले किए वो भी, अभी जो बाद में आने, बाद में जो करने वाले हो वो भी माफ करेगा। उसके बाद कहा कि हदीसहू कदीमहू व हदीसहू, पुराने भी माफ होंगे और नए भी माफ होंगे। खता वह आमदा, अगर भूल से किए हैं वो भी माफ करेगा, जानबूझकर किए हैं वो भी माफ करेगा, 6 हो गए। सगीरा व कबीरा, कि सगीरा भी माफ होंगे और कबीरा भी माफ होंगे, सगीरा भी और कबीरा भी। ये सारी बातें बतलाई और फिर अल्लाह के नबी ने ये कहा कि देखो ये तो 8 चीजें हो गई ना, और इसके साथ साथ ये सिर्रा व अलानिया, जो तुमने खुल्लम खुल्ला किए हैं वो भी माफ, और सिर्रा जो छुप कर किए हैं वो भी माफ। ये 10 गिफ्ट नबी अपने चचा को दे रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं, ए मेरे चचा
ये सलात और तस्बीह अल्लाह के नबी ने बतलाई, और फिर ये बताया अगर हो सके तो रोजाना इसको एक मर्तबा पढ़ो, अगर नहीं हो सकता हफ्ते में, अगर ये भी नहीं हो सकता महीने में, ये भी नहीं हो सकता साल में, और अगर ये भी ना हो तो जिंदगी में एक मर्तबा तो पढ़ ही लो। और वक्त कितना जाता है पता है इसमें? 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। तो पढ़ोगे इंशाल्लाह आज की रात? पढ़ो भाई, मेरे लिए भी कुछ मिल जाए, मुझे भी, मैंने बताया है तो मुझे भी मिल जाए, मैं भी हिस्सेदार बन जाऊं। तो पढ़ेंगे इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट, लेकिन फायदा क्या होगा? सारे गुनाहों का जो बक्स है ना वो शैतान के ऊपर डाल दिया जाएगा, भाई तू इसको ले। वहां ऐसा ही होना है ना, सबसे निचले दर्जे में वही है और सारे गुनाह उसके ऊपर ही डाले जाएंगे। तो बहरहाल इतनी बड़ी फजीलत की चीज है, हो सके तो रोजाना, ना हो सके तो कोई मसला नहीं, लेकिन जुमा के दिन तो कम से कम पढ़ा करो। और सबसे बेहतर तरीका यह है जवाल के होते ही, बल्कि जवाल से पहले मस्जिद में आ जाओ, शुरू कर दो, जहां तक अजान होगी वहां तक आपकी सलात और तस्बीह पूरी हो जाएगी। 4 रकात पढ़नी है और 1 रकात में 75 मरतबा सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलेमात 1 रकात में 75 मरतबा 75 मरतबा कहने हैं। अब मुख्तसर इसका तरीका सुन लो ताकि जो है तुम्हें, ले जाओ बेचारे को, हाँ इस तरह से अल्लाह तो भाई पहले जब अल्लाह अकबर कहेंगे रकात बांधेंगे, रकात बांधने के बाद सना पढ़ेंगे सुभानक अल्लाहुम्म बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, ये हो गया। उसके बाद 15 मरतबा ये पढ़ो सुभानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कितनी मरतबा? 15 मरतबा। फिर सूरह फातिहा कोई सूरत, ये हो गया। किरात खत्म हुई, अब 10 मरतबा फिर यही पढ़ो, तो खड़े होने की हालत में कितनी मरतबा हो गया? 25 मरतबा। अब जाओ रुकू में, रुकू में पहले तस्बीह पढ़ो सुबहान रब्बियल अजीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 3 से कम मत पढ़ना, ज्यादा पढ़ो तो अच्छा है। उसके बाद यही कलेमा 10 मरतबा, 35 हुआ। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द या वलकल हम्द, जो भी। और उसके बाद फिर ये 10 मरतबा पढ़ो सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कितना हुआ? 55 हुआ या 45 हुआ? 45 हुआ। फिर यहां पढ़ लिया आपने, अब जाओ पहले सद्दे में 3 मरतबा तस्बीह जो है सुभान रब्बियल आला ये पढ़ो, उसके बाद यही कलेमा 10 मरतबा, कितना हो गया? 55 हो गया। सद्दे में से जब बैठे पहले सद्दे के बाद, जिसको जलसा कहा जाता है, उसमें 10 मरतबा, कितनी मरतबा हो गई? 65। दूसरे सद्दे में जाओगे तो 10 मरतबा, कितनी मरतबा हो गया? 75। याद रह गया, दूसरी तरतीब भी है लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं बताता हूं कि फिर आप रकात भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें यह है कि पहली रकात के बाद बैठना है और पढ़ना है, इसलिए वो नहीं, इसी तरतीब पर आप पढ़ लो, इंशाल्लाह पढ़ोगे, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا
या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या हन्नान या मन्नान आतिना फिद दुनिया हसना وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم گنہگار ہیں ہم خطا کار ہیں اے اللہ رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اے اللہ ہم نے چھپ کر علانیہ ہر طرح کے گناہ کیے ہیں بڑے گناہ چھوٹے گناہ سارے گناہوں میں ہم ملوث رہے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں معاف کر دے تو معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں کہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں ہمیں افسوس ہے ہمیں تیری نعمتیں کھا کر اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی نفس و شیطان کے دھوکے میں پڑ کر ہم یہ سب کچھ کر چکے ہیں الہ العالمین تو ہماری ان گناہوں کو معاف فرما پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما امت کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں پوری امت کو اے اللہ تو امن و امان عطا فرما ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما آپس میں ایک دوسروں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق اے اللہ تیرے بندوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما برکت والا حلال برکت والی روزی عطا فرما اے اللہ جن بندوں کے جو بھی مسائل ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو ان مسائل کو حل فرما روزی کے مسائل کو حل فرما کاروبار کے مسائل کو حل فرما اے اللہ گھروں میں اے اللہ بے نکاح اولاد کے مسائل کو حل فرما اے اللہ جن کی اولادوں نے نکاح کیے ہیں لیکن جھگڑے اور فسادات میں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے آپس میں محبتیں عطا فرما آپس میں محبتیں عطا فرما اے اللہ آج کی رات یا اس جیسی راتیں جن جن بندوں کو تو نے عطا فرمائی ہے اے اللہ ان نیک بندوں کے اے اللہ دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما اے اللہ ہم تجھ سے عاجزی کے ساتھ فقیری کے ساتھ تیرے سامنے دامن پھیلا کر اے اللہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ فتنہ و فساد سے پناہ مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں چھوٹے چھوٹے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں بڑے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے تیرے علاوہ اے اللہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے لیکن اے اللہ تو ہم پر کرم کر دے امت پر کرم کر دے امت پر کرم کر دے اے اللہ ایمان والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ چاہے جو ہو جائے ہمارے دلوں سے ایمان رخصت نہ ہو جائے ایسے فیصلے فرما تو نے بغیر مانگے ایمان دیا ہے اے اللہ بغیر مانگے اے اللہ تجھ سے ہم مانگتے ہیں موت کے وقت اے اللہ تیرا کلمہ ہماری زبان پر ہو دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تجھ سے ملاقات کا شوق ہو مدینہ کی سرزمین ہو ایسی مبارک موت ہم سب کو عطا فرما ایسی مبارک موت ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہم میں سے جتنے کے رشتہ دار اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ وہ اپنی اپنی قبروں میں ہیں
तू ही जानता है उनके क्या हालात है। ऐ अल्लाह, किसी का बाप, किसी की माँ, ऐ अल्लाह किसी के दोनों, किसी की बीवी, किसी की औलाद, किसी की बहनें, किसी के भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उनके सैयाद को माफ़ फरमा, उनकी हसनात को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा, ऐ अल्लाह हम में से हर एक को ऐ अल्लाह जहन्नम से आज़ादी अता फरमा, ऐ अल्लाह ये अशरा जहन्नम से आज़ादी का चल रहा है, ऐ अल्लाह इसमें भी अगर हमारी मग़फ़िरत न हुई, जहन्नम से हमें आज़ादी न मिली तो और कोई मौका नहीं है, ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ाद फरमा, हमारी औलाद को आज़ाद फरमा, उम्मत के हर फर्द को जहन्नम से आज़ाद फरमा, ऐ अल्लाह जन्नत और जन्नत की नियामतों का हम सबको ऐ अल्लाह अता फरमा, ऐ अल्लाह मौत तक ऐ अल्लाह तेरा नाम लेते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, ऐ अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की तौफीक अता फरमा, आज तक हमने जिस तरह से जिंदगी गुजारी है ऐ अल्लाह तेरे सामने है, तू रहम फरमा, करम फरमा, अफवाफियत का मामला फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान अता फरमा, सुकून अता फरमा, आपस में भाईचारा अता फरमा, ऐ अल्लाह जालिमीन के हाथों को जुल्म से रोक ले, मजलूम की मदद फरमा, ऐ अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, जुल्म को रोक ले, ऐ अल्लाह मजलूमीन की मदद फरमा, कोई नहीं है तेरे सिवा, तू ही उनका सहारा है, ऐ अल्लाह कोई कुछ नहीं कह रहा है, सारी निगाहें तेरी तरफ उठी हुई है, मासूम बच्चे इस मुबारक माह में तेरे सामने निगाहें उठाते हैं, ऐ अल्लाह बाहिजाब औरतें तेरे सामने निगाहें उठाती हैं और कहती है मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, ऐ अल्लाह अपनी मदद को भेज दे, ऐ अल्लाह लहू लुहान लाशे तड़पते हुए लोग, ऐ अल्लाह जिगर फटा जा रहा है, ऐ अल्लाह तू ही मदद करने वाला है, ऐ अल्लाह तू मदद फरमा, जालिमीन को खत्म फरमा, मजलूम की मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू उन मुसलमानों की मदद फरमा, ऐ अल्लाह हमारे इन भाइयों की हमारे बहनों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उनको ईमान पर इस्तेकामत नसीब फरमा, जो तेरे रास्ते में शहीद हुए हैं ऐ अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह दुनिया के चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं सबकी मान माल की जान की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, हमें अमन अमान वाली जिंदगी अता फरमा, आफियत वाली जिंदगी अता फरमा, ऐ अल्लाह जो मांगा गया वो अता फरमा, मांगने से जो रह गया अपने फजल और अपने करम से अता फरमा, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जितनी भी दुआएं मांगी हैं हम फकीरों का हिस्सा नसीब फरमा, आका ने जिन शुरूर से जिन बुराइयों से पनाह चाही है हमें और पूरी उम्मत को पनाह अता फरमा, ऐ अल्लाह ये सारा मजमा तेरे सामने हाथ फैलाए बैठा है, ऐ अल्लाह इसमें मासूम बच्चे भी है, ऐ अल्लाह वो नौजवान भी है जिनकी जवानियों की सजदों पर ऐ अल्लाह तुझे रश्क आता है, ऐसे जवान भी है, ऐ अल्लाह सफेद रीस बूढ़े भी हैं जिनके सफेद बालों पर तू हया करता है, पता नहीं कौन इस मजमे में कितना बुलंद मकाम वाला होगा, ऐ अल्लाह उस बंदे का वास्ता हमारी दुआ को कबूल कर ले, ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल कर ले, ये पूरा मजमा अगर किसी मालदार के यहाँ चला जाए बगैर लिए वापस नहीं आ सकता, ऐ अल्लाह तू तो सबसे बड़ा मालदार है, मालदारी सबको तूने अता की है, जब बंदा तेरे सामने हाथ फैलाता है तुझे अल्लाह बहुत पसंद होता है, अल्लाह हमें अगर के हाथ फैलाना नहीं आता मांगना नहीं आता लेकिन जैसे भी